दोस्तों, हमारा आवर फेवरेट प्लेलिस्ट प्रोग्राम में फिर आ गया। आप लोग के लिए और एक फिल्म का गाना याद करता हूँ। ये भी लता मंगेशकर जी का गाने का सफ़र में मेरा दोबारा प्रोग्राम है, सेकंड प्रोग्राम है। तो ये प्रोग्राम से मैंने आपको बताऊंगा कि हमारा गाने का सफ़र से लता मंगेशकर जी के कुछ अच्छा गाना। तो ये गाना आप लोग भी बहुत सुन लिया होगा। तो ये गाना मैं ऐसे बता रहा हूँ कि ये भी यश चोपड़ा जी का एक फिल्म है। इसका नाम थी कभी कभी। तो कभी कभी फिल्म से ये गाना मैं आपको पेश करता हूँ। ये यश चोपड़ा ने फिल्म बनाया, इसके प्रोडक्शन, डायरेक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सब वो इसी आदमी, बहुत टैलेंटेड था वो। तो ये फिल्म का खेल ये इसमें लायरिस्ट ये भारत में महा लायरिस्ट जुहेर लुधियानवी से बना हुआ है। तो इसमें संगीत दिया ये बहुत अच्छा म्यूजिशियन खयाम जी ने संगीत दिया। और गाने में लता मंगेशकर जी साथ मुकेश दा वो जी गाना गा लिया। ये डुओ लता मुकेश डुओ से शुरू हुआ। कब तक गाना, जब तक गाना ये हुआ तब ये गाना बहुत अच्छा था। ये है कभी कभी मेरा दिल में ख्याल आता है। तो एक रोमांस ब्रेक डाउन हुआ, कुछ दूसरा रास्ते में चला गया, दो प्रेमी अलग अलग रास्ता में हो गया। तो वो दोनों का विश्वास साथ में जीना के लिए, लेकिन ये अपनी दाइयों से ये अलग हो गए। तो इसके विरहा दुखी फीलिंग सफ़र फील करना जैसा के लिए ये गाना है ये फिल्म में। फिर ये गाना ऐसा हुआ कुछ लोग को, उसको उसके लिए उसका दिल के लिए भी, और कुछ को ऐसा ना हो लेकिन उसको भी ये सिचुएशन दुनिया में रियलिटी समझना के लिए ये गाना काफ़ी ज़रूरत है। तो ये गाना देख लीजिए, सुन लीजिए, फिर बहुत इसका दर्शन इसका पीछे बहुत थे। आप लायरिस्ट देखिए इसका, कभी कभी मेरा दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरा दिल में ख्याल आता है, ये जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, तू अब से पहले सितारों में बस गई थी, कहीं तुझे जमीन पे बुलाया गया है मेरे लिए, तुझे जमीन पे गया है मेरे लिए, कभी कभी मेरा दिल में ख्याल आता है। दोस्तों, सबको प्रणाम, शुक्रिया करता हूँ। मैं हूँ सूरज चामर, श्रीलंका से, लेकिन ये प्रोग्राम यूएई से आपको पेश करता हूँ। तो फिल्म इंडस्ट्री में बहुत पसंद हो तो इसलिए आपको ये गाना मैं पेश करता हूँ। तो ये गाने से आपको दिल खुशी होगा, तो ये मेरा विश है। थैंक यू।